हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिजाइन करने वाले हैं ये वाला पोस्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अपना पेन टूल और यहाँ से हमारा सिलेक्ट होना चाहिए शेप एंड देन हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पहले फिल को हम ऑफ कर लेते हैं और हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देन हम फिल पे जाएंगे और यहां से हम सिलेक्ट कर लेते हैं ये कलर। उसके बाद फिर से हम पेन टूल सिलेक्ट करेंगे, एक न्यू लेयर लेंगे और इसको हम नीचे कर लेते हैं एंड देन हम यहां से ड्रॉ करेंगे। फिल पे जाएंगे और यहां से हम ले लेंगे थोड़ा ब्राइट। अब हम फिर से पेन टूल सिलेक्ट करेंगे, न्यू लेयर लेंगे और यहां से ड्रॉ करेंगे और यहां पे हम थोड़ा और डार्क लेंगे। तो यहां से क्लिक करेंगे और इस वाले लेयर को हम राइट क्लिक करेंगे और यहां से करेंगे क्लिपिंग मार्क्स। अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे, न्यू लेयर लेंगे और ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे और यहां पे हम साइड से शैडो अप्लाई करेंगे। तो जो हमारा ये वाला कलर है हम यही अप्लाई करेंगे। ब्लेंडिंग मोड हम कर देते हैं मल्टीपल और अब इस वाले लेयर को सिलेक्ट करते हैं और इसका हमने बनाना होगा सिलेक्शन। तो उसके लिए हम कंट्रोल होल्ड करेंगे और लेयर थंबनेल पे क्लिक करेंगे, न्यू लेयर लेंगे और इसके बीच में हम यहाँ पे यही कलर अप्लाई करेंगे। ऐसे थोड़ा डार्क ले लेते हैं, कंट्रोल डी। देन हम इसका सिलेक्शन बनाएंगे इस वाले लेयर का और यहां पे आएंगे और लेयर मास्क ऐड करेंगे। देन ब्राइटनेस हम इंक्रीज कर देंगे थोड़ा। यहां पे आएंगे और यहां पे हम साइड से थोड़ा और डार्क अप्लाई करेंगे। तो एक न्यू लेयर ले लेते हैं और ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे ये कलर और साइज कम करेंगे और यहाँ पे अप्लाई करते हैं एंड ओके। फिर से एक न्यू लेयर लेंगे और ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे ब्राइट कलर। तो हम यहाँ से ये ले लेते हैं और साइड से अप्लाई करेंगे। ब्लेंडिंग मोड हम स्क्रीन कर देते हैं, ओपेसिटी कम। देन इस वाले लेयर को हम फिर से सिलेक्ट करेंगे, एक न्यू लेयर लेते हैं और राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क्स। और यहां से हम पहले सिलेक्ट करेंगे पॉलीगोनल लासो टूल और यहां से ऐसे सिलेक्शन बनाएंगे और यहां पे हम फिल करेंगे ब्राइट कलर। तो उसके लिए हम करेंगे ऑल्ट बैक स्पेस, क्योंकि जो हमारे फोरग्राउंड में कलर है वही आना चाहिए। देन कंट्रोल डी। अब हम राइट क्लिक करेंगे एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, देन गो टू फिल्टर ब्लर एंड गॉर्जियन ब्लर। रेडियस हम रखेंगे 45.6 एंड ओके। ओपेसिटी कम कर देते हैं, थोड़ा और कम करेंगे हम। देन इस वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, एक न्यू लेयर लेंगे और पॉलीगोनल लासो टूल और यहां से हम सिलेक्शन बनाएंगे और यहां पे हम ऐड करेंगे डार्क कलर ये वाला। देन कंट्रोल डी, राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, देन गो टू फिल्टर एंड गॉसियन ब्लर एंड ओके। साइज थोड़ा और इंक्रीज कर देते हैं। देन हम फिर से यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाएंगे, इसे हम क्लिपिंग मार्क कर देते हैं राइट क्लिक और यहां से करेंगे क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क। फिर से एक न्यू लेयर लेंगे और हम यहाँ पे सिलेक्शन बनाएंगे ऐसे और यहां पे हम ऐड करेंगे ब्राइट कलर। कंट्रोल डी, राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, देन फिल्टर एंड गॉसियन ब्लर। रेडियस हम रखेंगे 10 एंड ओके। यहां पे हमने थोड़ा सा और ब्राइट करना है तो उसके लिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर से एक न्यू लेयर लेते हैं और जो हमारा ये वाला कलर था हम यही अप्लाई करेंगे यहाँ पे।
देन ओके। और अब हम इस वाले लेयर को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे हमने अप्लाई करना है बेवल एंड एम्बर्स, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉर्नर पे व्हाइट कलर का शेडो, मतलब व्हाइट कलर का इफेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे पहले हम एंगल चेंज करते हैं, ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो इसको हम कर देते हैं नॉर्मल, साइज हम 0 रखेंगे, कलर चेंज करते हैं पहले से, और एंगल हम चेंज करेंगे, यह हमारे ऊपर की तरफ शो होना चाहिए। तो हमारा एंगल है 125 और बाकी सारे हमारे जो प्रॉपर्टीज है वो डिफॉल्ट है, बस हमारा जो कलर हमने चेंज किया है वो भी हमारा नॉर्मल है, देन ओके। और अब हम इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और इनको कर देंगे हम ग्रुप, फिर हम बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट करेंगे, एडजस्टमेंट आइकन पर जाएंगे और यहां से हम क्लिक करेंगे सॉलिड कलर, एंड ओके। देन हम यहां आएंगे और यहां से हम इसे सिलेक्ट करते हैं, देन राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और इसे हम करते हैं ऊपर ट्रांसफॉर्म करेंगे। मुझे इसका कलर चेंज करना है, जैसे हमारा जो बैकग्राउंड का है वो भी इसे पिंक होना चाहिए, तो चेंज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, पर मैं यहां पे जाऊंगी एडजस्टमेंट आइकन पे और यहां से हम इसे क्लिक करेंगे ह्यू सैचुरेशन, यहां पे करेंगे हम क्लिपिंग मार्क्स, और यहां से कलर चेंज करते हैं और सैचुरेशन हम कम करेंगे इसके, देन ओके। और अब हम यहाँ पे इसके नीचे बनाएंगे शेडो, तो उसके लिए हम लेंगे एक न्यू लेयर, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और यहां से हम ये डार्क वाला ले लेते हैं एंड अप्लाई, देन ओके। इस वाले लेयर को हम नीचे लेके आएंगे, परफेक्ट। ओपेसिटी हम थोड़ा कम कर देंगे, और जो हमारा बोटल है हम यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क अप्लाई करेंगे, तो इसे सिलेक्ट करेंगे, एक न्यू लेयर लेंगे ब्रश टूल और नीचे से थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, ओपेसिटी करेंगे कम। और अब हम इसे सिलेक्ट करते हैं, न्यू लेयर लेंगे, ऊपर कर देते हैं, एडिट पे जाएंगे, फिल एंड 50% ग्रे, ओके। देन ब्लेंडिंग मोड करेंगे ओवरले, और यहां से हम सिलेक्ट करेंगे डोज टूल, और इसे करेंगे हम ब्राइट, और अब हम यहां से सिलेक्ट करेंगे बर्न टूल और नीचे अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें नीचे डार्क चाहिए, और अब हम फिर से एक न्यू लेयर लेंगे, और अब हम फिर से एक न्यू लेयर लेंगे ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और यहां से हम करेंगे व्हाइट एंड अप्लाई करेंगे, यहां पे रोटेट करेंगे, ब्राइटनेस हम करेंगे कम, सॉरी ओपेसिटी कम करेंगे, कॉपी करते हैं, लेयर मार्क्स ऐड करेंगे, और इन सभी को हम कर देंगे ग्रुप। देन हम इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, एक न्यू लेयर लेंगे ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे, और यहां से हम ले लेते हैं ब्राइट कलर और यहां अप्लाई करेंगे, ब्लेंडिंग मोड कर देंगे हम स्क्रीन, ओपेसिटी थोड़ा और इंक्रीज, सॉरी साइज हम इंक्रीज करेंगे, देन न्यू लेयर ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे, इस बार हम सिलेक्ट करेंगे व्हाइट कलर, साइज फिर से इंक्रीज करते हैं, और इसकी ओपेसिटी हम कम करेंगे, यहाँ शेडो हमें चेंज कर इरेज करना होगा, तो लेयर मार्क्स ऐड करेंगे, फिर से हम एक न्यू लेयर लेंगे और यहां से हम सिलेक्ट करेंगे एलिप्स टूल, और यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करते हैं, और कलर होगा हमारा ये, लेयर्स पे आएंगे, न्यू लेयर, राइट क्लिक एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क्स, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे, और यहां से हमारा होगा ये ब्राइट कलर, फिर से इसे कॉपी करेंगे और ब्लेंडिंग मोड कर देंगे हम स्क्रीन, ओपेसिटी कम करेंगे, फिर से एक न्यू लेयर लेते हैं, और यहां से हम सिलेक्ट करेंगे लासो टूल,
और यहां पे हम फिल करेंगे ये डार्क कलर, राइट क्लिक करेंगे एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, देन गो टू फिल्टर एंड गॉजियन ब्लर एंड ओके। ब्लेंडिंग मोड कर देंगे हम मल्टीपल, देन इन सभी लेयर्स को हम सिलेक्ट करेंगे और इनको कर देंगे ग्रुप, साइज कम करेंगे। इस लेयर को हम नीचे कर देते हैं और अब हम फिर से इस वाले ग्रुप की कॉपी करते हैं, साइज इंक्रीज करेंगे और यहां प्लेस करते हैं, अगेन कॉपी। और अब हमें यहाँ पे शेडो अप्लाई करना होगा क्योंकि ये इसके पीछे है, तो इस वाले ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क, ब्रश को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हमारा डार्क होना चाहिए, देन ओके। फिर से कॉपी करते हैं, इस ग्रुप को हम करेंगे मर्ज, तो उसके लिए करेंगे कंट्रोल ई, राइट क्लिक करेंगे एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, देन गो टू फिल्टर ब्लर एंड मोशन ब्लर एंड ओके। और अब हम इन सभी लेयर्स को मर्ज करेंगे, तो इसके लिए करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड ई, राइट क्लिक करेंगे एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, देन गो टू फिल्टर एंड कैमरा रो फिल्टर, और यहां से एक्सपोजर इंक्रीज करेंगे, कॉन्ट्रास्ट आई होप आप सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।